हेलो बच्चों, 11वीं के रसायन विज्ञान में हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, परमाणु की संरचना। और इस चैप्टर में यह लेक्चर नंबर 19 है। इसके पहले इस चैप्टर में 18 लेक्चर्स हो चुके हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हमारी आज की टॉपिक है परमाणु में कक्षकों का भरा जाना और किसी बहु इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कक्षकों में किस प्रकार किया जाता है। इसके लिए ज़रूरी है हमको ये चारों नियम जानना। छोटे छोटे नियम हैं, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएंगे। पहला नियम है, देखें आप, बाउ सिद्धांत। दूसरा नियम है एन प्लस एल नियम। तीसरा है हुंड का नियम और चौथा है पावली का अपवर्जन नियम। तो चारों नियम बहुत महत्वपूर्ण हैं और आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप ध्यानपूर्वक देखें, वीडियो को पूरा देखें और समझें कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे लिखेंगे और किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार होता है। तो चलो पॉइंट को पढ़ते हैं। परमाणु में कक्षकों का भरा जाना, किसी परमाणु में स्थित कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण उस परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं। तो किसी परमाणु में कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना ही उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भरा जाना कुछ महत्वपूर्ण नियमों द्वारा तय होता है, जो निम्नलिखित हैं। और पहला है आप बाउ सिद्धांत, आप बाउ प्रिंसिपल। और यह सिद्धांत क्या तय करता है? परमाणु में उपकोषों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम तय करता है। ठीक है, तो हम आप बाउ सिद्धांत पे चलते हैं। यह याद रखें, आज की यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बहुत ध्यानपूर्वक इसको देखें, पढ़ें। बहुत छोटे छोटे नियम हैं, आसानी से समझ पाएंगे। चलो चलते हैं आप बाउ के सिद्धांत पे। आप बाउ सिद्धांत, आपबाव जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है निर्माण होना या रचना करना। तो आपबाव किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं, बल्कि यह जर्मन भाषा का शब्द है और उसका अर्थ होता है रचना करना। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार परमाणुओं की तलस्थ अवस्था या ग्राउंड स्टेट में उपकोषों के कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। ठीक है, तो इस यह सिद्धांत क्या कह रहा है कि परमाणु के तलस्थ अवस्था में या ग्राउंड स्टेट में उपकोषों के कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। ठीक है, यहाँ तलस्थ अवस्था क्या है इसको समझो। तलस्थ अवस्था को हम धरातलीय अवस्था भी कहते हैं, धरातलीय अवस्था भी कहते हैं। और धरातलीय अवस्था तब कहलाती है जब परमाणु ने कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं किया हो, जब परमाणु कोई भी ऊर्जा अवशोषित न किया हो। और जब परमाणु कोई ऊर्जा अवशोषित कर लेता है तो उस समय उसकी अवस्था हो जाती है उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था या फिर एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इसको पहले भी हम बता चुके हैं, जब स्पेक्ट्रम बनाए होंगे और हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को पढ़े हम लोग, तब भी उत्तेजित अवस्था का जिक्र आया होगा। ठीक है, तो परमाणुओं की तलस्थ अवस्था में उपकोषों के कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। हम यहाँ बना रहे हैं उपकोषों को और उनके ऊर्जा के बढ़ते क्रम को। तो यहाँ ध्यान दें, मुख्य क्वांटम संख्या एन के लिए एक ही उपकोष होता है 1s, 1s को हम सर्कल कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह जब मुख्य क्वांटम संख्या n का मान 2 होता है तो उसमें दो उपकोष होते हैं 2s और 2p। ये 2s हो गया, ये 2p। मुख्य क्वांटम संख्या n का मान जब 3 होता है तो तीन उपकोष हमको मिलते हैं 3s, 3p और 3d। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या n का मान जब 4 होता है तो उस समय उपकोष होते हैं 4s, 4p, 4d और 4f। इसी तरह मुख्य क्वांटम संख्या n का मान होता है तो उस समय उपकोष होंगे 5s, 5p, 5d और 5f। ठीक है, उसी तरह मुख्य क्वांटम संख्या n का मान जब 6 होगा तो उपकोष होंगे 6s, 6p, 6d, 6f। लेकिन आगे हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इसी तरह मुख्य क्वांटम संख्या n का मान जब 7 होगा तो उस समय उपकोष होंगे 7s, 7p। इनके आगे वाले उपकोषों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुख्य क्वांटम संख्या n का मान जब 8 होगा तो उपकोष होगा 8s, 8p, 8d, 8f, लेकिन आगे वाले उपकोषों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनकी ऊर्जा का बढ़ता क्रम हम दिखाते हैं तिरछी लाइन द्वारा। तो यहाँ हम तिरछा लाइन बना रहे हैं, आप देखें तिरछी लाइन द्वारा
हम दिखाते हैं, ये देखें, ये तिरछी लाइन, यानी पहला उपकोष जो है 1s, इसकी ऊर्जा सबसे कम है, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, फिर 3s। यहाँ से ये दिखाएंगे डॉटेड लाइन द्वारा, हम यहाँ आते हैं, यहाँ से इस डायरेक्शन में, उसी तरह यहाँ से हम वापस इस डायरेक्शन में आएंगे और ये क्रम देखेंगे। ये देखें, ये तीर द्वारा उपकोषों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम दर्शा दिया गया। यानी क्रम को हम कैसे पढ़ेंगे, देखें, 1s की ऊर्जा सबसे कम है और ऊर्जा का बढ़ता क्रम हम पढ़ रहे हैं, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, इस तरह से ऊर्जा का बढ़ता क्रम हम पढ़ते हैं। ठीक है, ऊर्जा का बढ़ता क्रम हम यहाँ लिख भी रहे हैं, देखें, उपकोषों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम, उपकोषों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम हम यहाँ दर्शा रहे हैं। देखें, सबसे पहले 1s उपकोष है ना, तो सबसे पहले हम 1s लिखते हैं, 1s, इसकी ऊर्जा सबसे कम है, ये हम यहाँ चिन्ह दर्शा दिए। अब आगे आने वाले उपकोषों की ऊर्जा ज़्यादा होगी, उसके बाद 2s, इसके बाद क्या आया, 2p, फिर क्या आ गया, 3s, इसके बाद 3p, इसके बाद क्या आ रहा है, 4s आ रहा है, इसके बाद 3d उपकोष आ रहा है, 3d, इसके बाद 4p उपकोष आ रहा है, इसके बाद 5s, इसके बाद देखें 4d उपकोष, इसके बाद 5p उपकोष आ रहा। तो यहाँ से हम आसानी से उपकोषों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम खुद बना सकते हैं। आप थोड़ा सा ट्राई करें, एक बार प्रैक्टिस करें और इनकी ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम लिखें। इसी क्रम में उपकोषों में और इनके कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश होगा, लेकिन इस नियम में कुछ अपवाद भी हैं, उनको हम आगे देखेंगे। और यहाँ N+L नियम को समझना है, N+L नियम क्या है, तो दूसरा नियम है N+L नियम, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, हम आगे चलते हैं। दूसरा नियम है N+L नियम, एक बहुइलेक्ट्रॉनिक परमाणु में किसी उपकोष की ऊर्जा का मान मुख्य क्वांटम संख्या N तथा अधिगंशी क्वांटम संख्या L पर निर्भर करता है। तो ऐसा परमाणु जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है, उसमें उपकोषों की ऊर्जा का मान मुख्य क्वांटम संख्या N और अधिगंशी क्वांटम संख्या L दोनों पर ही निर्भर करता है। तो नियम देखो, पहला पॉइंट है, यदि दो उपकोषों के लिए N+L के मान समान हैं, तो N के कम मान वाले उपकोष की ऊर्जा कम होगी और यह पहले भरा जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ दो उपकोष हम ले रहे हैं, 2p तथा 3s। उपकोष में देखें N+L कैसे हम लिखेंगे, N+L 2p के लिए लिख रहे हैं, यहाँ ध्यान दें, देखो s p d f, उपकोषों के लिए s के लिए l का मान 0, p के लिए l का मान 1, d के लिए l का मान 2 और f के लिए l का मान 3 होता है, यह पहले भी हमने बताया हुआ है। ठीक है, अब देखें ये उपकोष लिखा हुआ है 2p को, यहाँ ध्यान से देखें तो 2p उपकोष हम बता रहे हैं, यहाँ दो मुख्य क्वांटम संख्या दिखा रहा है, मुख्य क्वांटम संख्या यानी n के मान को, और यह p किसके मान को दिखा रहा है, l के मान को। इसी तरह 3s उपकोष लिखा है, 3s यहाँ 3 n के मान को दर्शा रहा है और s l के मान को दर्शा रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान दें, N+L हम 2p उपकोष के लिए लिख रहे हैं, 2p उपकोष के लिए N का मान कितना है, 2 है, और L का मान कितना है, p, अर्थात p के लिए मान है 1, तो यह वैल्यू आ गया N+L बराबर 3। और 3s उपकोष के लिए, 3s उपकोष के लिए N+L अगर हम लिखें तो मुख्य क्वांटम संख्या N का मान 3 और प्लस s के लिए L का मान 0, ठीक है, तो यह भी 3। यदि दो उपकोषों के लिए N+L के मान समान हैं, तो N के कम मान वाले उपकोष की ऊर्जा कम होगी,
यहाँ देखें दो उपकोश हैं और दोनों के लिए n प्लस l के मान समान है अर्थात तीन है, तो किसकी ऊर्जा कम होगी? जिसके लिए n का मान कम है। n का मान कम किसके लिए है? देखें यहाँ दो है n का मान 2p उपकोश के लिए और तीन है n का मान 3s के लिए, तो n का मान यहाँ कम है, इसकी ऊर्जा कम होगी और यह पहले भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ देखें 2p उपकोश की ऊर्जा कम है और 3s उपकोश की ऊर्जा अधिक है, यह पहले भरा जाएगा या बाद में भरा जाएगा। दूसरा पॉइंट है, यदि किसी उपकोश के लिए n प्लस l का मान कम है तो उसकी ऊर्जा कम होगी और वह पहले भरा जाएगा। यहाँ भी उदाहरण ले रहे हैं, यहाँ भी आसानी से समझ में आएगा। हम बात कर रहे हैं 3d उपकोश और 4s उपकोश के लिए n प्लस l का मान पहले निकालें, देखें कितना आता है n प्लस l का मान दोनों उपकोशों के लिए। यहाँ देखें 3d उपकोश है, इसके लिए n का मान 3 है, यहाँ हमने 3 लिखा। l का मान, तो d के लिए l का मान देखें कितना है, 2 है, तो 3 + 2 = 5। अब यहाँ ध्यान दो, 4s उपकोश है, मुख्य क्वांटम संख्या n का मान है 4 और s के लिए यहाँ से वैल्यू देखें l का 0, 4 + 0 = 4। अब ये क्या कर रहा है, यदि किसी उपकोश के लिए n प्लस l का मान कम है तो उसकी ऊर्जा कम होगी। यहाँ देखें n प्लस l का मान 4s उपकोश के लिए कम है अर्थात इसकी ऊर्जा कम होगी और यह पहले भरा जाएगा। और अभाव नियम में, अभाव सिद्धांत में भी हम लोगों ने देखा कि 4s उपकोश की ऊर्जा कम थी, तो यहाँ देखें 4s उपकोश की ऊर्जा कम है 3d की अपेक्षा और यह पहले भरा जाएगा। ठीक है, तो ये दो नियम हो गए। तीसरा नियम है हुंड का नियम, तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, हम तीसरे नियम पे चलते हैं। तीसरा नियम है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। यह नियम क्या बता रहा है, यहाँ देखें किसी उपकोश के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, तो हुंड का नियम यह बताता है कि किसी परमाणु के उपकोश में उपकोश के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से किया जाएगा। तो नियम को यहाँ पढ़ रहे हैं, इस नियम के अनुसार एक ही उपकोश के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक उस उपकोश के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। नोट करके लिखा हुआ है, देखें एक ही उपकोश के सभी कक्षकों की ऊर्जाएँ बराबर होती हैं, इनको समभ्रंश कक्षक, समभ्रंश कक्षक या डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो किसी भी परमाणु में एक उपकोश के सभी कक्षकों की ऊर्जाएं समान होती हैं, अंतर कहाँ होता है, केवल त्रिभुज में उनके विन्यास में अंतर होता है। तो ये पहले हम पढ़ चुके हैं 18वें लेक्चर में, इसको हम पढ़ चुके हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, समभ्रंश कक्षक या डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स के लिए यह बात लिखी हुई है, एक ही उपकोश के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक उस उपकोश के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। यहाँ उदाहरण द्वारा हम समझा रहे हैं, आप समझें। 2p उपकोश के लिए, 2p उपकोश में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, किस तरह से किया जाएगा। देखें जब 2p उपकोश में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो इसको लिखेंगे 2p1, जब दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2p2। इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम यहाँ ऊपर दिखा रहे हैं, 2p² नहीं पढ़ेंगे, 2p2। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2p उपकोश में 3 होगी तो इसको लिखेंगे 2p3। इसी तरह 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2p4, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2p5, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2p6। और p उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं क्योंकि इनमें कक्षकों की संख्या, p उपकोष में कक्षकों की संख्या 3 होती है, ये 18वें लेक्चर में हम लोग जान चुके हैं। एक कक्षक का नाम है p, एक दूसरे का नाम है py, तीसरे का नाम है pz। तो चलो यहाँ देखो, जब p उपकोश में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यह इलेक्ट्रॉन px कक्षक में आएगा। ठीक है, जब दो इलेक्ट्रॉन हो p उपकोश में, उस समय इलेक्ट्रॉन वितरण कैसे दिखाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन px में और दूसरा इलेक्ट्रॉन py कक्षक में भरा जाएगा। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 हो तो कैसे भरेंगे, यह 3 कक्षक हो गए। देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब 3 है तो एक इलेक्ट्रॉन px, दूसरा py, तीसरा pz कक्षक में आएगा। कई बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, कैसे भर देंगे, यूँ भर देंगे,
ठीक है, तो इस तरह से नहीं भरना है। ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन और यह तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये हाफ तीर द्वारा दिखाया जा रहा है इलेक्ट्रॉन को। और यह हाफ तीर क्या प्रदर्शित कर रही है कि इलेक्ट्रॉनों की स्पिन क्लॉकवाइज है। अब देखो, सभी डीजनरेट ऑर्बिटल्स, इन्हीं को हम डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं, समभ्रंश कक्षक, इनकी सबकी ऊर्जाएं आपस में बराबर हैं, ठीक है। अब तीनों कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, अब इलेक्ट्रॉन का युग्मन शुरू होगा। तो 2p4, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2p उपकोष में 4 हो जाएगी, तो उस समय देखो, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, 2px में आ रहा है, ठीक है। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होगी, यहाँ लिखते हैं नीचे हम, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होगी तो देखें इस उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होगा। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, अर्थात पांचवा इलेक्ट्रॉन आ गया है py कक्षक में। अब देखें, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है तो इस उपकोष में कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण ऐसे होगा, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, चौथा, पांचवा, 6ठा इलेक्ट्रॉन, अर्थात सबसे लास्ट में 6ठा इलेक्ट्रॉन आ रहा है और यह सबसे लास्ट वाला pz कक्षक है। तो इस प्रकार से किसी भी परमाणु के लिए किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया जाता है। और यह हम क्या देख रहे हैं, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और न्यूनतम 1 या कक्षक खाली भी हो सकता है, ठीक है। तो यह है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। आप इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। हम चौथे नियम पे आते हैं। चौथा नियम है पावली का अपवर्जन सिद्धांत, पावलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। किसी कक्षक में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को तय करता है पावली का अपवर्जन सिद्धांत। यानी पावली का अपवर्जन सिद्धांत यह बताता है कि किसी भी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। चलो देखते हैं सिद्धांत को। इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता। यदि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए 3 क्वांटम संख्याओं का मान एक समान है तो चौथी क्वांटम संख्या का मान अवश्य अलग होगा। यहाँ ध्यान दें, हम यहाँ एक कक्षक बना रहे हैं, 1s कक्षक, और इस कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। किसी भी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यही तय करता है पावली का अपवर्जन सिद्धांत। तो इन 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए 3 क्वांटम संख्याओं के मान समान होंगे, n का मान, l का मान और m का मान समान होगा दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए, लेकिन s का मान दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए भिन्न होगा। जो इलेक्ट्रॉन सीधा तीर द्वारा दिखाया गया है, सीधा हाफ तीर द्वारा, इसके लिए s का मान +½, क्योंकि इसकी स्पिन क्लॉकवाइज मानी जाती है। और जो इलेक्ट्रॉन उल्टे हाफ तीर द्वारा दिखाया गया है, इसकी स्पिन एंटी क्लॉकवाइज मानी जाती है और इसके लिए s का मान -½ कहा जाता है। तो किसी भी कक्षक में, हम यहाँ 2p कक्षक को दिखा रहे हैं, 2p उपकोष के कक्षकों को, ठीक है, px, py और pz। तो अगर किसी भी उपकोष में, हम इलेक्ट्रॉनों को पहले भर ले रहे हैं, उपकोष में डीजनरेट ऑर्बिटल्स में समभ्रंश कक्षकों में हम 2 इलेक्ट्रॉन को लें, किसी भी एक कक्षक के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को देखें, तो इसके लिए तीनों क्वांटम संख्याओं के मान समान आएंगे। इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान, l का मान, m का मान समान आएगा, अंतर केवल s के मान में होगा। तो किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए तीनों क्वांटम संख्याओं के मान समान हो भी जाते हैं तो चौथी क्वांटम संख्या s का मान अवश्य भिन्न होगा, यही कहना है पावली के अपवर्जन सिद्धांत का, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी भी परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना सीखेंगे और उसके अगले वाले वीडियो में सीखेंगे कि कोई क्वेश्चन दिया हो और इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करने हो तो उनको कैसे करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।